अब की बार फिर से जो है चुनाव जीते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? भारत माता की जय, वंदे मातरम। महसूस तो मैं क्या करूँगा, चुनाव बाबू से लड़ाई नहीं, ये तो शेरगढ़ की जनता लड़ा। और मेरा मानना है कि शेरगढ़ की जनता ही जनार्दन है, और जिस प्रकार से शेरगढ़ की जनता ने चुनाव लड़ा है, मेरा मानना है कि ये ईश्वरी जीत है, ये देवी जीत है। तो इस जीत को मैं जनता के चरणों में समर्पित करूँ। सर, आपकी टिकट को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी रही, लेकिन आप आखिर में आप जीते, तो ये सर सब जनता का प्यार था। आप सब पत्रकारों ने भी सर्वे करा, पार्टी ने भी सर्वे कराया, शेरगढ़ की 90% जनता ने सर्वे में बाबू सिंह को आशीर्वाद दिया। पार्टी भी मैच के आधार पर निर्णय करती है और समझ में होता है। पार्टी ने शेरगढ़ की जनता का सम्मान करते हुए मुझे उम्मीदवार बनाया। इसी तरह तो हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने शेरगढ़ की जनता का सम्मान। सर, राजस्थान में पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर हम लोगों ने दो बार विधानसभा को घेरा है, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सर आप पत्रकारों को क्या देने वाले? आपने भी घेरा है और मैंने विधानसभा में मामला उठाया जी। तो पत्रकार हमारा चौथा स्तंभ है, हमारे आप भाई हो, और आपका भाई बनकर, आपकी आवाज़ बनकर राजस्थान की विधानसभा में बोलूँगा और आपके यहाँ पर अधिकार की।